गोबर बिकड़ा है गोबर। अब इसमें मुझे तो बोलने की आवश्यकता नहीं, आपने खुद ही बोल दिया। ये आविष्कार नहीं लग रहा आपको? आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है देश को, आप सवाल पूछ रही हैं उनसे, आप देशद्रोही हैं। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो आप कह रहे हैं ये निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही है। अगर आज की डेट में कोई भी सवाल पूछता है और अगर गलत के लिए गलत बोल देता है तो वो देशद्रोही बन जाता है। किसको जज बना रहे हैं? जो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा, आप उनका बैकग्राउंड उठा के देख लें। नहीं, रामराज किसके लिए आया? अडानी के लिए आ गया होगा निश्चित रूप से। जहां मर्जी जमीनें खरीद लें। एक जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ व्यवहार हो रहा है, इससे बीजेपी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी जी के स्वभाव से डरे हुए हैं कि ये किसी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरीके से अडानी का खुलासा किया हुआ है राहुल गांधी जी ने और सवाल उठाए हैं कि क्यों अडानी को संरक्षण दिए हुए है बीजेपी सरकार और क्यों सपोर्ट कर रही है, उस आवाज को दबाने के लिए उनको हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी अकेले नहीं है, हम सभी उनके साथ खड़े हुए हैं। और इस सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी जिस तरीके से ये महिलाओं के साथ और बेरोजगारों के साथ व्यवहार कर रही है। निश्चित रूप से इन्हें बदलना चाहिए और अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो ये आने वाले चुनावों में इन्हें इनकी असलियत भी सामने आ जाएगी। तानाशाह है मोदी जी निश्चित रूप से तानाशाह है। अगर कोई बात उठाता है उनके अगेंस्ट में बोलता है तो आज आप देखिए कितनी फ्रॉड FIR होती हैंगी। क्योंकि मैं कानून से जुड़ी हुई हूँ तो मैं हर दिन इस तरीके के केस देखती हूँ कि किस तरीके से FIR हो रही है कंटिन्यू लोगों पे और इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कितनी भी एजेंसीज को ले लीजिए सारी, इवन मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाली थी कि इन सारी एजेंसीज के लिए सेपरेट काम करने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन पर प्रेशर फील हो रहा है, चाहे वो ED हो या अन्य एजेंसी हो, ये इंडिपेंडेंट नहीं आज की डेट में। कहीं ना कहीं ये मैनेज हो और इन्फ्लुएंस है। कौन मैनेज कर रहा है चीजें को? जी निश्चित रूप से बीजेपी कर रही है, क्योंकि ये एक तरफा काम कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों की सरकार है, इसने गरीबों की सिर्फ और सिर्फ कमर तोड़ी है। आज आप देखें महंगाई चरम पर है, चाहे पेट्रोल डालने वाला एक स्कूटी हो और बाइक चलाने वाला बाइक सवार या गृहिणी जो खाना बनाती है उसी गैस सिलेंडर कई गुना दामों पे मिल रहा है। ये चीजें मैनेज हो रही है तो कांग्रेस की जो लीगल टीम है वो क्या कर रही है? देखिए कांग्रेस के लोग आवाज उठा रहे हैं और जो आवाज उठा रहे हैं उसका परिणाम है कि उन पे कार्रवाई हो रही है, चाहे वो राहुल गांधी जी उनकी सदस्यता रद्द हो रही है जिससे वो आवाज को दबाया जा सके, वो आवाज उठने का उन्हें स्कोप ही ना दिया जाए। जब सदस्यता रद्द होगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति की एंट्री बंद होगी, एंट्री बंद होगी तो कौन बोलेगा? ऊपरी अदालत में क्यों नहीं जा रहे आप लोग? नहीं बिल्कुल जा रहे हैं, कौन कह रहा है कि नहीं जा रहे हैं? हमने हर तरीके की कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, पर समस्या ये है जो जजों की प्लेसमेंट होती है जब उनके लिए अपॉइंटमेंट होता है तो वो कोई चयनित प्रक्रिया नहीं होती है, वो होता है टोटल सरकार का उसमें काफी रोल होता है। और ऐसे मैनेज है ये, कई स्तर पे मैनेज करते हैं क्योंकि हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करते हैं। नहीं मैं तो उसका भी विरोध करती हूँ जिस तरीके से ये जज किसको जज बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा, आप उनका बैकग्राउंड उठा के देख लें। आप जज हर तरीके से हर सिस्टम को इन्हें आज की डेट में करप्ट किया हुआ है और हर तरीके से कोशिश करते हैं कि कोई भी एक सिंगल आवाज ऐसी ना हो जो इनके विरोध में उठती है, या तो इनसे इनके सुर में सुर मिला या उस आवाज को दबा दिया जाता है। लोग कह रहे हैं रामराज आ गया है, अच्छे नहीं आ गए हैं। नहीं रामराज किसके लिए आया? अडानी के लिए आ गया होगा निश्चित रूप से। जहां मर्जी जमीनें खरीद लें 1 रुपए में 100 रुपए में, आम आदमी के लिए तो उसी जमीन के लाखों रुपए देने पड़ते हैं। अगर आपके पास 25-50 लाख रुपए हैं आज की डेट में, आप दिल्ली में तो घर नहीं खरीद सकते, तो कहां रामराज है? रामराज मतलब हर किसी के लिए घर, रहने का अधिकार, नौकरी, काम करने का अधिकार, जातवाद से आजादी। अगर ये इतना ही रामराज कहते हैं तो ये इतना सारा क्यों चल रहा है? कहीं ना अमृत काल चल रहा है। नहीं अमृत काल निश्चित रूप से बीजेपी वालों के लिए तो चल ही रहा है, पर जो बीजेपी में नहीं है उनके लिए तो नहीं चल रहा है, उनके लिए तो आप विश्वकाल कह सकते हैं। नहीं विश्व में लोकप्रिय है निश्चित रूप से। नहीं छोड़ दिया होगा क्योंकि आप ये बताएं उनके कार्यकाल में वो कितने दिन इंडिया में रहेंगे? बाहर जाते हैं, इतने करोड़ रुपए वहाँ दे दिए, उतने करोड़ रुपए वहाँ दे दिए, कभी हमारे प्रदेश को भी दे? हमारा प्रदेश सबसे गरीब प्रदेश है, वहाँ पे लोगों के लिए एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में सीट नहीं है। क्यों हमारे लोकल के लिए आजकल आप ये बताएं बच्चों के लिए एडमिशन नहीं मिल रहा है? आप डोनेशन दे के बाहर के दिल्ली मुंबई के लोग सीट ले जाते हैं। आप गरीबों की हालत देखिए, किसानों का कर्ज किसका माफ हो रहा है? किसानों पे तो वो भी नहीं है, मतलब जिस तरीके से उनकी स्थिति होती जा रही है। आप ये देखिए दवाई छिड़कने वाली दवाई वो भी महंगी हो रही है।
रही है, जो सरकार राहुल गांधी मोदी जी का मुकाबला कर पाएंगे? जी निश्चित रूप से करेंगे। देखिए राहुल गांधी जी के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रोक सके, ना तो वो पद के लालसी हैं, ना उन्हें उतने ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, और ऐसी कोई कारण नहीं है जिस वजह से वो दबे। और मेन मुद्दा यही है कि इसी चीज को देखते हुए हमेशा उनकी छवि को टारगेट किया गया, उन्हें अलग अलग तरीके के नामों से नवाजा गया जिससे कहीं ना कहीं इनको दबाया जा सके। पर राहुल गांधी जी किसी के दबने वालों में से नहीं है, वो एक पढ़े लिखे सभ्य और सौम्य व्यक्ति। अगर अहंकारी होते तो आज उनकी वो स्थिति होती हो जो है, मुझे तो नहीं लगता वो अहंकारी है। एक वही व्यक्ति है जो हर किसी को बोलने का अधिकार देता है, विरोधियों को भी सुनता है। आप ये देखिए, जब अरविंद केजरीवाल लोगों ने यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था, तब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी में करके देख ले कोई क्या हालत होगी उनकी, वो आप भी जानते हैं। हम तो वो लोग हैं जो विरोधियों, अगर टैलेंट है तो उसको भी उठा देते हैं जिसे दबाना चाहिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या कोई और। अगर ये गलत है तो 1975 वाला भी मामला फिर गलत है? देखिए कौन सा 1975, अमीर जैन से भी गलत है ना फिर? देखिए नहीं, देखिए उस समय की स्थिति अलग होगी, मुझे तो उतना नहीं है कि उस समय क्या परिस्थितियां थी, लेकिन आप ये देखिए, आप सिर्फ इमरजेंसी को क्यों देखते हैं? आप इंदिरा गांधी के अगर आप इतिहास पढ़ें तो देखें, जो भी आज 8 फाइन कॉलेज हैं, जितना भी साइंस में डेवलपमेंट हुआ है, वो कहीं ना कहीं उनमें इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है। तमाम बाबा पैदा हो गए हैं, देखिए कौन से बाबा पैदा हो गए, वाचक बाबा हो गए, महिलाओं की हाइट बढ़ा रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं। देखिए जी, देखिए चमत्कारों से अगर चलता होता तो फिर तो हमारा देश आज तो चांद पे ही बस गए होते। गोबर बिकना है गोबर। अब इसमें मुझे तो बोलने की आवश्यकता नहीं, आपने खुद ही बोल दिया। ये आविष्कार नहीं लग रहा आपको? अब पता नहीं, अब ये तो आप ही जाने, मैं उसको बोल देना चाहूंगी। देखिए लोकप्रिय होने की तो कुछ ट्रिक्स होती हैं, जिस तरीके से ये कुछ लोगों को मैनेज करके धर्म के नाम पर वोट ले रहे हैं। और कई लोग हमारे देश में, देखिए हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना सक्षम नहीं है, मैं कहना चाहूँगी इस बारे में। अब 12वीं तक का भी जो छात्र पढ़ा होता है उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, इवन ग्रेजुएट भी जो होता है वो 4 शब्द अंग्रेजी के नहीं बोल पाता है। तो ऐसी स्थिति में देश वालों को ये समझाना कि जो टीवी में दिखाया जा रहा है वो पूर्णतः सही नहीं है। आपको क्यों लगता है देश को एजुकेशन चाहिए? नहीं, बिल्कुल सरकार को ऐसा लग सकता है मंदिर चाहिए, क्योंकि वो मंदिर की राजनीति करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है जो हर उस किसान के बेटे को, हर मजदूर वर्ग के बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर देती है। मंदिर से होता हुआ रास्ता जाता है बिस्कुट, तभी बनेगा भारत। जी बिल्कुल, मुझे लगता है मोदी जी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इस तरीके की चीजों को बढ़ा रहे हैं। आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है देश को, आप सवाल पूछ रही है उनसे, आप देशद्रोही है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो आप कह रहे हैं ये निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही है। अगर आज की डेट में कोई भी सवाल पूछता है और अगर गलत के लिए गलत बोल देता है तो वो देशद्रोही बन जाता है। और जो शिक्षा की बात करता हूँ, सबसे बड़ा देशद्रोही है। जी अब साथ में कथाएं पढ़ाई जाएंगी। देखिए मध्य प्रदेश में धर्म ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं। देखिए धर्म ग्रंथ का पढ़ाया जाना चाहिए, हमारी संस्कृति का नॉलेज होना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगी उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। संविधान नहीं चाहिए, लेकिन संविधान भी पढ़ाना चाहिए, लेकिन आप उसे सिर्फ पाठ्यक्रम में पढ़ाइए, उसके बाहर नहीं। स्कूल में आप बताइए कि हमारी संस्कृति क्या है। अगर हम तुलसी को हर चीज में डालते हैं तो क्यों डालते हैं? क्योंकि वो एंटी रिपेलेंट होती है। अगर आप तुलसी के पौधे में कीड़े आपने नहीं देखे होंगे आसपास, कहीं ना कहीं वो एंटी बैक्टीरियल होती है, आप उसे ले। तो इस तरीके से आप पढ़ाइए। हमारी संस्कृति में सती प्रथा थी, जोगनी प्रथा थी, दासी थी। वो अज्ञानी, वो कहीं ना कहीं उनका विरोध हुआ, वो कुरूतियां थी हमारे देश की, और कुरूतियां इसीलिए खत्म हुई। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज भी वो चल रही होती डेफिनेटली। हर